हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो एज़ यू गाइज नो, हम डाइट एंड न्यूट्रिशन के जो कोर्स कंटेंट के जो चैप्टर्स हैं वो यूनिट्स हैं, हम कवर कर रहे हैं। सो इन दिस पार्ट और इन दिस सीरीज़ मैंने बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी डिस्कस किए हैं एंड आई होप आपको वो अच्छे से समझ लग रहे हैं। सो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस्ड डाइट, राइट। बैलेंस्ड डाइट के बारे में नॉलेज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन फ्यूचर एज यू गाइज आर ऑप्टिंग दिस कोर्स ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन। इस केस में आपको ये पता होना चाहिए कि एक बैलेंस्ड डाइट क्या है, एंड अगर आपको नॉलेज होगी एक बैलेंस्ड डाइट के बारे में तभी आप किसी को एम्फेसाइज कर पाओगे कि वो पर्सन जो है एक जो भी डाइट ले रहा है वो एक बैलेंस्ड होनी चाहिए। मीन्स उसमें एक अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए। सो बैलेंस्ड डाइट व्हाट इज़ इट? इट इज़ डिफाइंड एज द डाइट विच प्रोवाइड्स the essential nutrients. So basically हमारा जो target है वो nutrients के ऊपर ही है कि वो diet एक जिसमें जो nutrients हैं, जो important nutrients हमारी body को चाहिए, macro and micro, जिनके बारे में मैंने already previous lectures में discussion किया है, full explanation किया है। अगर आपने वो lectures अभी तक नहीं समझे हैं then firstly watch that lecture, तभी आपको जो next part है वो समझ लगेगा। So balanced diet में क्या है कि जो required amount of nutrients हैं, macro एंड माइक्रो बोथ, वो एक प्रॉपर अमाउंट में चाहिए। तो इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में फल से इसमें मैक्रो प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये एक प्रॉपर अमाउंट में चाहिए पर्सन की बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए, बॉडी डेवलपमेंट के लिए, रिपेयर के लिए एंड इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए, ताकि पर्सन की जो बॉडी है वो हेल्दी रहे, फिट रहे। तो पर्सन को अगर अपनी बॉडी की फंक्शनिंग स्मूथ करनी है, बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपर चाहिए, तो वन पर्सन शुड कंज्यूम अ बैलेंस्ड डाइट जिसमें न्यूट्रिएंट जो है वो सारे मिलेंगे। बिकॉज अलग अलग टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिंस, ये अपना अलग अलग फंक्शन करते हैं और बॉडी का जो प्रॉपर एक फंक्शन है उसको भी बैलेंस, उसमें भी एक बैलेंस बना के रखते हैं। नाउ इन दिस केस देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग कि जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, हम ये तो बात करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मैक्रो एंड माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स चाहिए, बट जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि किस टाइप का जो वर्क है वो पर्सन कर रहा है, व्हाट इज़ द एज ऑफ दैट पर्सन, व्हाट इज़ द सेक्स ऑफ दैट पर्सन, वेदर इट इज़ मेल और फीमेल, बॉय और गर्ल, राइट। तो इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी कि पर्सन किस टाइप की जो है एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। लेट्स सपोज कि एक स्पोर्ट्स पर्सन है, ऑन द अदर हैंड इफ विल से कि एक विल से कि स्टूडेंट है जिसका ज़्यादा जो काम है वो उसने बैठ के पढ़ना ही होता है। सो दोनों के केसेस में डेफिनेटली जो स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ कि न्यूट्रिएंट्स का जो अमाउंट हम डिसाइड करेंगे कि इसको कितना अमाउंट देना है और जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसको कितना अमाउंट है, वो वेरी करेगा दोनों के केसेस में। बिकॉज दोनों के केसेस में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होगी एंड वी नो कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं मैक्रो एंड माइक्रो, राइट, ये हमारी बॉडी के फंक्शंस, इनके कारण ही हमारी बॉडी के अंदर सारे फंक्शंस हो रहे हैं। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो इनका काम क्या है कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। दे आर वेरी वाइटल न्यूट्रिएंट्स दोनों। इन दोनों में से अगर कोई भी एक न्यूट्रिएंट या अगर मैं बात करूँ किसी वाइटामिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो पर्सन की जो बॉडी है उसमें जो फंक्शनिंग है वो सही नहीं चलती, राइट। तो इनका प्रॉपर अमाउंट हमें पता है, जो पर्सन है अगर इन दोनों न्यूट्रिएंट्स का एक एग्जैक्ट अमाउंट उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंज्यूम कर रहा है, इट मींस पर्सन जो है वो बैलेंस डाइट कंज्यूम कर रहा है। नाउ बैलेंस डाइट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, एज हैव रिटन हेयर कि इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, की हर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। एंड इन दिस केस बैलेंस डाइट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। सो अगर मैं बोलूँ कि बैलेंस डाइट की अगर क्या प्रिंसिपल है इसका, सो विद बैलेंस डाइट अप्रोच वी ईट अकॉर्डिंग टू द बॉडी रिक्वायरमेंट। एक होता है कि किसी को भूख लगी है वो पर्सन खा रहा है, राइट। सो उसमें भी दो केसेस आ जाते हैं कि अगर द थिंग इज कि बॉडी की जितनी डिमांड है, राइट, भूख लगी है, भूख मिट गई है तो पर्सन ने खाना बंद कर दिया, बट समटाइम्स वॉट विल हैपन विल ओवर ईट, राइट। सो इन दैट केस आर डाइट इज नॉट द बैलेंस डाइट। उस केस में हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारी डाइट बैलेंस डाइट है, बिकॉज न्यूट्रिएंट्स
इसका एक्सेस में होना भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाता है. सो विद दिस अप्रोच ऑफ बैलेंस डाइट हमें ये पता लग जाता है कि हमने कितना खाना है. मींस अगर मैं कार्ब्स की बात करूँ, प्रोटीन्स की बात करूँ या फैट की बात करूँ, तो उनका अमाउंट कितना होना चाहिए मेरे मील में, राइट? सो इस अप्रोच के साथ हम अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही खाना कंज्यूम करते हैं. ऑन द अदर हैंड, दिस कैन बी अडॉप्टेड इन लॉन्ग टर्म. ये जो मेथड है, ऑब्वियसली हम ये नहीं बोलेंगे कि अगर किसी को एक दिन बोला है कि बैलेंस डाइट खानी है, कि इतने अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स खाने हैं, वो पर्सन एक दिन में ही उस चीज़ को अडैप्ट कर लेगा. नहीं, अगर पर्सन प्रीवियसली उस मेथड को, उस अपना रूटीन है खाने की, फूड हैबिट्स हैं जो उनको उस वे से अडैप्ट नहीं किया कि उसके खाने के अंदर एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल में ये अडैप्टेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. बिकॉज इट विल से कि हमारी अडैप्टेशन के ऊपर भी डिपेंड है कि समटाइम्स किसी को बहुत डिफ़िकल्ट भी लगता है कि वो पर्सन है. लेट सपोज अगर मैं बात करूँ कि कोई पर्सन है जिसको जंक खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, राइट? तो द पर्सन है वो पिज़्ज़ा, बर्गर्स ये सब खा रहा है, तो इन दैट केस वी कैन नॉट से कि पर्सन बैलेंस डाइट खा रहा है. अगर उस पर्सन को इस बैलेंस डाइट को फॉलो करना है, इस प्लान को फॉलो करना है, देन डेफिनेटली लॉन्ग टर्म का एक टारगेट होना चाहिए कि यस, कि मैंने लॉन्ग टर्म तक इसको फॉलो करना है. बिकॉज बेनिफिट्स एक दिन में नहीं दिखेंगे. जो भी हम खाना खा रहे हैं उसके बेनिफिट्स एक दिन में नहीं दिखेंगे, बट यस, अगर आप डेली अपनी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर रहे हो, नरिश्ड फूड खाओगे, बैलेंस डाइट खा रहा है कोई पर्सन, तो इन दैट केस लॉन्ग टर्म में उसको बेनिफिट्स भी बहुत होंगे. और इस पूरे विल से कि पूरे प्लान को, इस हैबिट को फॉलो करने के लिए, अपनी लाइफ में अडैप्ट करने के लिए एक लंबा टाइम चाहिए एक्चुअल में, ताकि एग्जैक्टली हम बोलें कि जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो स्मूथ करनी है, हमने स्मूथ रखनी है. तो एक इट इज़ अ लॉन्ग टर्म गोल एक्चुअली, नॉट अ शॉर्ट टर्म गोल. सो एम्फेसाइज फूड रिच इन न्यूट्रिएंट्स. एज आई हैव टोल्ड कि न्यूट्रिएंट्स पे ही फोकस करना है, राइट? जो हम खाना खा रहे हैं, ऐसे खाने वाली चीज़ तो बर्गर भी है. ऑन द अदर हैंड, खाने वाली चीज़ अगर मैं बोलूँ कि घर में बनी हुई चपाती या दाल भी है, बट वो जो दाल या चपाती है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें बर्गर से नहीं मिलेंगे. इसीलिए बैलेंस डाइट के पार्ट में विल डेफिनेटली से कि जो न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट है उसके ऊपर फोकस किया जाता है कि कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स कितने चाहिए. इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एंड इन दिस केस द प्रिंसिपल बिहाइंड द बैलेंस डाइट कि न्यूट्रिएंट्स के ऊपर फोकस किया कि न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड अमाउंट में पर्सन को दिए एंड पर्सन कंज्यूम कर रहा है द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइट? इन दैट केस मेन जो टारगेट है कि विल से कि न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी ना आ जाए, या तो वो एक्सेस में भी ना हो जाए, टू ओवरकम द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एंड एक्सेस. कि अगर एक्सेस में पर्सन कंज्यूम कर रहा है, इन दैट केस ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ दिस बैलेंस्ड डाइट प्लान पर्सन को जो है द पर्सन विल गेट टू नो कि ओके, मेरे अंदर अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं तो वो ओवरकम हो रही हैं. अगर मैं पहले एक्सेस में कंज्यूम कर रहा था या कर रही थी, तो अभी क्या है, अगर पर्सन बैलेंस डाइट ले रहा है तो वो न्यूट्रिएंट्स के रिलेटेड जो भी इशू हैं, चाहे वो कम होने के कारण है चाहे ज़्यादा होने के कारण है, वो सारे क्योर हो जाते हैं. ओवरऑल इफ़ आई टू समराइज द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस डाइट कि ह्यूमन बॉडी की फंक्शनिंग को स्मूद रखना है उस बॉडी को प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके, राइट? तो ह्यूमन जो सिस्टम है, इंटरनल सिस्टम है हमारा, उसकी फंक्शनिंग को प्रमोट करना है, उसकी एक स्मूथ वे से फंक्शनिंग करवानी है. इसीलिए बैलेंस डाइट अप्रोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन दिस केस द नेक्स्ट पार्ट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट. सो इम्पॉर्टेंस के केस में फल से तो द फर्स्ट पार्ट वुड बी कि इम्पॉर्टेंस में क्या होगा कि पर्सन की जो बॉडी है उसमें एफएल से कि ह्यूमन बॉडी में हम एनर्जी रिक्वायरमेंट को फिल करते हैं. सो इन दिस केस द इम्पॉर्टेंस इज फर्स्ट इज फुलफिल एनर्जी रिक्वायरमेंट. फुलफिल एनर्जी रिक्वायरमेंट वाया न्यूट्रिएंट्स. And these nutrients are macro and micro both. Energy requirement को fulfill कर रहे हैं nutrients provide करके खाने की help से, right? And along with that, same it provide, balanced diet provide essential
अमाउंट ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिंस एंड मिनरल्स की बात करूं अगर मैं मेनली, यूजुअली ये कम अमाउंट में चाहिए एज़ कम्पेयर टू मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, बट अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं या तो वो मिल ही नहीं रहे तो वो माल नरिश्ड हैं, कुछ ऐसे हैं जो विल से ओवर नरिश्ड हैं, तो इन दोनों केसेस में उन पर्सन्स को बैलेंस डाइट को फॉलो करना पड़ेगा ताकि उनके अंदर जो माल नरिशमेंट या ओवर नरिशमेंट के कारण प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएं, राइट? सो नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट, कि बैलेंस डाइट के कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं. सो द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट हमने मैक्रो एंड माइक्रो में सारा ये डिस्कस किया हुआ है. सो यही कंपोनेंट्स हैं, जैसे मैंने बोला है कि न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज. सो इट इंक्लूड्स अ डाइटरी फाइबर्स. डाइटरी फाइबर्स को हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते बिकॉज डाइटरी फाइबर्स मेनली हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिल रहे हैं, तो उस केस में डाइटरी फाइबर्स जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड डाइटरी फाइबर्स आर द सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स ऑल्सो. एंड इसके साथ साथ वाटर, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, राइट? तो वाटर बहुत ज़्यादा है ह्यूमन बॉडी में, सो वाटर शुड बी द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बैलेंस डाइट. अगर पानी भी कम पी रहे हैं इट मीन्स पर्सन जो है वो बैलेंस डाइट नहीं ले रहा, बिकॉज वाटर जो है बहुत ही एसेंशियल फंक्शंस कर रहा है. एंड मैंने वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के ऊपर एक अलग ही लेक्चर में डिस्कशन की है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं समझा है देन काइंडली वॉच दैट लेक्चर फर्स्टली. उसमें मैंने वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में इन डिटेल डिस्कशन किया है कि कैसे हमारी बॉडी में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस हो रहा है, राइट? सो दीज आर दी कॉम्पोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट जो कि हमारे खाने के अंदर होने चाहिए. इन जो कॉम्पोनेंट्स हैं इनकी जो एज हैव टोल्ड यू की जो रिक्वायरमेंट है वो बॉडी टू बॉडी ह्यूमन बॉडी की फंक्शनिंग के बेसिस पर डिपेंड है, एज के ऊपर, सेक्स के ऊपर, फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर. बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिसाइड करती हैं कि ह्यूमन बॉडी की फंक्शनिंग और ह्यूमन बॉडी की जो एफल से न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्या है, राइट? सो इन्हीं कंपोनेंट्स के बेसिस पर हमने जो फूड है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एंड जो फंक्शंस के बेसिस पर, एंड दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स हैं, राइट? सो उसके अलावा बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं. सो इफ आई राइट एनर्जी गिविंग फूड्स, एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड and bodybuilding food. ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है, मेनली कार्ब्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे एक्ट एज द एनर्जी सोर्स. एंड प्रोटेक्टिव फूड में मिनरल्स एंड विटामिन्स, ये हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं बीमारियों से, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करें. एंड बॉडी बिल्डिंग में मेनली प्रोटीन्स आ रहे हैं, राइट? सिमिलरली फूड को हमने कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया है, एंड नॉट इफ आई से कि ये जो ग्रुपिंग है फूड की इट वाज डन बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च दैट इज़ ICMR. तो टोटल 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है फूड को. तो फूड ग्रुपिंग बाय ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. सो
एफ एल से दे आर टोटल 5 ग्रुप्स, ग्रुप 1, ग्रुप 2, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। सो ये 5 ग्रुप्स में जो है फूड को डिवाइड किया गया है एंड फर्स्ट ग्रुप जो है इट इज़ दी सीरियल्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स। सीरियल्स में हम अन्न, जो अनाज हम कंज्यूम करते हैं सीरियल्स में वो आएगा। रूट्स एंड ट्यूबर्स, हम रूट्स एंड ट्यूबर्स कंज्यूम करते हैं, बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो एक्चुअल में, अगर मैं बात करूँ कैरेट की, तो कैरेट इज़ एक्चुअली अ रूट, वो रूट है किसी प्लांट की, तो हम वो कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। सो ग्रुप 1 में सीरियल्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स। सो सीरियल्स में आई एम राइटिंग हियर मेनली फल से वीट, कॉर्न, और इफ आई स्पेसिफाई मेज, एंड इन केस ऑफ रूट एंड ट्यूबर याम, पोटैटो, कैरेट, ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट इज दी ग्रुप 2, ग्रुप 2 इंक्लूड द प्रोटीन रिच फूड, प्रोटीन रिच फूड, एंड इसमें मेनली क्या है, पल्सेस, दालें, जो दाल खा रहे हैं हम, पल्सेस, लेग्यूम्स एंड एनिमल सोर्सेस, मीट एंड ऑल, जो मीट प्रोडक्ट्स हैं, जो एनिमल प्रोडक्ट हैं मेनली, उसमें मीट आ गया, तो वो प्रोटीन रिच सोर्स है और प्रोटीन रिच फूड है। सो दैट इज़ द ग्रुप 2। और अगर मैं इनको बात करूँ कि सीरियल्स की बात करूँ, रूट्स या ट्यूबर्स की बात करूँ, ग्रुप 1 में हमारा आएगा एनर्जी गिविंग फूड्स, बिकॉज ये जो फूड प्रोडक्ट्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स रिच हैं। सिमिलरली जो ग्रुप 2 है प्रोटीन रिच फूड है, नेम से हमें पता लग रहा है कि ये प्रोटीन रिच है। नेक्स्ट है ग्रुप 3। इन केस ऑफ ग्रुप 3 मेनली एफ एल से फैट, ऑयल, शुगर एंड जैगरी। तो फैट एंड ऑयल, फैट एंड ऑयल जो है इनका भी प्रोटेक्टिव फंक्शन है। मैंने अभी जस्ट मिनरल्स एंड विटामिंस यहाँ लिखा था कि प्रोटेक्टिव फंक्शन है, और इवन के फैट्स का फंक्शन जो है इनका एनर्जी गिविंग फंक्शन भी है। एंड बॉडी बिल्डिंग में हमने प्रोटीन्स का किया था, राइट, प्रोटीन्स भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इन सब के बारे में मैंने प्रीवियस जो वीडियो सेशंस हैं हमारे उसमें मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में ऑलरेडी जो पार्ट है, जो कंटेंट है, वो कवर हो चुका है। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं समझे हैं देन काइंडली वॉच दैट पार्ट फर्स्टली। तो ग्रुप 3 में फैट प्रोडक्ट्स, ऑयल प्रोडक्ट्स, शुगर एंड जैगरी, मीठा जो हम नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर है, एंड जैगरी इज द गुड, तो इनको कैटेगराइज किया है। नेक्स्ट इज द ग्रुप 4 में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दे आर द सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स, यहाँ से हमें कुछ मिनरल्स मिल रहे हैं, विटामिंस मिल रहे हैं। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं मेनली प्रोटेक्टिव फंक्शन कर रहे हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में से हमें कार्ब्स भी मिल रहे हैं, तो एनर्जी गिविंग फूड का भी फंक्शन कर रहे हैं। सो ग्रुप 4 में हमारे आएंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एंड इस केस में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में एक स्पेसिफिक है कि ग्रुप 4 में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, अगर मैं यहाँ लिखूंगी कि ग्रुप 5 में अदर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो बेसिकली ये कैसे कैटेगराइजेशन है, इस केस में कौन से फ्रूट्स आएंगे, सिट्रस फ्रूट्स। वेजिटेबल्स जो आएंगी वो आएंगी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, येलो कलर्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, येलो कलर्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और अदर वेजिटेबल्स में बाकी सारे कलर्स लाइक एक्सेप्ट फ्रॉम येलो
बाकी जो सारे कलर के फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं वो सारे आएंगे, और इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इसमें आएंगे जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे स्पिनच की बात करें अगर तो पालक जो है, दिस कमेंडर, और जो भी लीफी वेजिटेबल्स हैं बाकी जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं ग्रीन लीफी वो इस पार्ट में आएंगी, बाकी जो है ग्रुप फाइव में आएंगी। सो ये पांच ग्रुप्स हैं। तो इस केस में अगर मैं देखूँ कि ग्रुप फाइव में मेनली क्या है, हमें कार्ब्स मिल रहे हैं फ्रॉम सीरियल्स रूट्स एंड ट्यूबर्स, इसमें इट इज़ प्रोटीन रिच, ये पार्ट में फैट एंड ऑयल कवर्ड है, और शुगर और जैगरी से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं। सो यहाँ आई एम राइटिंग कार्ब। इन दोनों केसेस में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में दोनों ग्रुप फोर एंड ग्रुप फाइव से हमें मिनरल्स विटामिंस राइट डाइट्री फाइबर्स कार्ब्स ये प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। सो यू गाइस कैन सी पांच ग्रुप्स हैं एंड इट इज गिवन बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। सो ये है फूड की ग्रुपिंग। नाउ क्लासिफिकेशन फूड की हुई है, जस्ट टू अंडरस्टैंड फूड इन अ बेटर वे कि फूड की क्लासिफिकेशन। सो फूड क्लासिफिकेशन इन अदर वे, इसमें है फर्स्ट, अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्लासिफिकेशन में आएगा, फर्स्ट क्लास इज सीरियल्स एंड मिलेट्स। तो इसमें फर्स्ट जो है उसमें आएगा सीरियल्स एंड मिलेट्स। नेक्स्ट जो है पल्सेस एंड लेग्यूम्स, फैट एंड ऑयल मींस जहां से हमें फैट मिल रहा है, बिकॉज फैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर आर बॉडी फंक्शनिंग। वी कैन नॉट से, हम ये नहीं बोल सकते कि फैट नहीं चाहिए हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, राइट? तो अपार्ट फ्रॉम दिस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, जो दूध से बने प्रोडक्ट्स हैं, नट्स, नेक्स्ट इज मीट, फिश एंड अदर प्रोडक्ट्स, मेनली जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, अदर एनिमल प्रोडक्ट्स जो भी एज अ फूड कंज्यूम किए जाते हैं जस्ट टू फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, या टू नरिश आर बॉडी, टू प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स टू द ह्यूमन बॉडी। एंड सेवंथ वन इज द वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एग शुगर एंड जैगरी spices and condiments। so ये 11 groups में अलग से 11 categories में food की classification की गई है। तो इस case में फल से कि cereals and millets में इसमें अनाज आएगा, pulses and legumes में दाल चना जो भी हम consume कर रहे हैं, fat and oil में vegetable oil जैसे फल से mustard oil, olive oil ये सारे products आएंगे, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में दूध से बने प्रोडक्ट जैसे चीज़ हो गया, पनीर हो गया, नट्स में अगर मैं बात करूँ आलमंड्स, कैश्यूज, वॉलनट्स ये सारे प्रोडक्ट्स आएंगे, मीट, फिश एंड अदर एनिमल प्रोडक्ट्स जो हम स्पेसिफिकली जिस जहाँ से हमें जैसे मीट मिल रहा है दैट विल कम इन दिस पार्ट, वेजिटेबल्स ऑल द वेजिटेबल वेदर इट इज़ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या बाकी हैं, सिमिलरली फ्रूट्स चाहे वो सिट्रस फ्रूट्स हैं चाहे वो और भी कोई फ्रूट्स हैं दे विल कम अंडर दिस, एग, शुगर एंड जैगरी, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स जो भी मसाले हम यूज़ करते हैं खाने में, खाने के टेस्ट को एनहांस करने के लिए वो आएंगे इस पार्ट में। सो फूड की क्लासिफिकेशन की गई है इन 11 पार्ट्स में।
एंड इन दिस केस अगर मैं फिर से न्यूट्रिएंट्स की बात करूँ कि सीरियल्स और मिलेट्स की अगर मैं बात करूँ, इससे हमें जैसे अनाज जो भी हम कंज्यूम करें, अनाज मेनली हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, हमें मिल रहे हैं कार्ब्स, मेनली कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं पल्सेस और लेग्यूम्स की बात करूँ, यहाँ से मेनली मुझे मिल रहे हैं प्रोटीन्स, हमें यहाँ से प्रोटीन मिलेंगे। फैट एंड ऑयल से हमें एसेंशियल फैट जो बॉडी को चाहिए। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करें, यहाँ से हमें प्रोटीन भी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे, फैट भी मिलेंगे, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स भी मिलेंगे। सिमिलरली नट्स की अगर मैं बात करूँ, नट्स में से मेनली विल गेट द मिनरल्स, वाइटामिन्स, टू सम एक्सटेंट इनमें प्रोटीन एंड फैट भी है। मीट, फिश एंड अदर एनिमल प्रोडक्ट्स, इनमें से हमें प्रोटीन मिलेगा, फैट मिलेगा एंड कुछ अमाउंट ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स मिलेंगे। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में से हमें मिनरल्स एंड वाइटामिन्स या फल से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सिमिलरली एग, एग में से विल गेट द प्रोटीन, फैट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, शुगर एंड जैगरी, यहां से हमें मिलेंगे कार्ब्स एंड मिनरल्स, सॉरी द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसमें से भी विटामिन। स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स में एज सच इफ आई स्पेसिफाई इनका, दे डोंट प्रोवाइड एनर्जी, बट येस स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स दे विल एनहैंस द फ्लेवर, फ्लेवर एनहैंस करते हैं, राइट? और स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स में एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे मेनली इम्यून सिस्टम को टारगेट करते हैं। अगर मैं बात करूँ टर्मरिक की, हल्दी की, तो हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, राइट? एंड टू सम एक्सटेंट इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी है, एंटी ऑक्सीडेंट भी है। तो स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स जो हैं इसीलिए इम्पॉर्टेंट हैं फॉर द कंजम्पशन, राइट? टर्मरिक का स्पेसिफिकली वी शुड नो कि टर्मरिक में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा हैं। सो इन फूड ग्रुप्स की लाइक इफ आई से कि क्या रिक्वायरमेंट है, कि क्या यूज़ है इन फूड ग्रुप्स के, तो सबसे पहले बीइंग अ डाइटिशियन फॉर फ्यूचर, ये डाइटिशियन के रेफरेंस के लिए बहुत अच्छा है कि फूड ग्रुप्स ऑलरेडी हमें प्रोवाइडेड हैं और हमने जब मील प्लान करना है तो फॉर फ्यूचर रेफरेंस हम इन फूड ग्रुप्स को की रेफरेंस ले सकते हैं और इन फूड ग्रुप्स के बारे में अगर हमें नॉलेज होगी तो हम इजीली इन फूड ग्रुप्स में से उठाकर जो भी चीज़ें हैं, जो भी फूड सब्सटेंसेस हैं, वो हम पर्सन के मील में ऐड ऑन कर सकते हैं। सो वी शुड नो द यूजेस ऑफ दीज फूड ग्रुप्स। फर्स्टली दे आर हेल्पफुल help professional dietitian just for the future reference, जब meal plan करना है, किसी की counseling करनी है कि उनको क्या खाना चाहिए, उनको जब balanced diet provide करनी है, so at that time food groups help करेंगे dietitian की, एक professional dietitian की, ताकि वो जब meal plan करेंगे किसी की counseling के time पर, they'll get to know कि okay यहाँ से मैंने ये प्रोडक्ट ऐड करना है और यहाँ से कार्ब्स मिलेंगे, अगर मैं पल्सेस ऐड करूँगी तो मेरे को प्रोटीन्स मिलेंगे, लाइक दिस, राइट? एंड फूड ग्रुप्स जो हैं, एज आई हैव टोल्ड, हेल्पफुल फॉर न्यूट्रिशनल काउंसलिंग एंड फूड ग्रुप्स के बारे में जो नॉलेज है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर न्यूट्रिशनल एजुकेशन। न्यूट्रिशनल एजुकेशन के लिए ये नॉलेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, फूड ग्रुप्स के बारे में जो नॉलेज है वो थेरेपेटिक डाइट को की प्लानिंग के टाइम पर ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है। इट इज़ द बेसिक नीड, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर थेरेपेटिक
डाइट प्लानिंग. ओवरऑल इफ आई से कि अगर फूड ग्रुप्स के बारे में नॉलेज है तो वी कैन हेल्प अ पर्सन टू फुलफिल हिज और हर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स या टू ओवरकम दी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर किसी में हैं. ओवरऑल हम फूड ग्रुप्स के बारे में अगर हमें नॉलेज होगी देन ये हमारा काम भी बहुत इजी हो जाएगा कि अगर किसी को काउंसिल करना है, किसी को एक मील प्लान बनाकर देना है एंड हमें न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ के बारे में हम इजीली क्लासिफाई कर पाएंगे कि अगर सीरियल्स की मैं बात कर रही हूँ तो मेनली वहाँ से हमें क्या मिलेगा. सो लाइक दिस बेसिकली फूड ग्रुप्स के बारे में जो नॉलेज है और इसके जो यूजेज़ हैं वो एक प्रोफेशनल जो विल से फिजिशियन या एक डाइटिशियन उसके जितना काम आता है टू स्प्रेड द न्यूट्रिशनल एडुकेशन अमंग स्टूडेंट्स या और अमंग पीपल ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. सो दैट इज़ वाई फूड ग्रुप्स के बारे में नॉलेज एंड बैलेंस्ड डाइट के बारे में नॉलेज हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर फूड ग्रुप्स के बारे में नॉलेज है तभी हम पर्सन की एनर्जी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको एक बैलेंस डाइट प्रोवाइड करेंगे. राइट. सो आई होप आपको बैलेंस डाइट के बारे में एंड फूड ग्रुप्स के बारे में अभी अच्छे से क्लियर है. हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन अलग अलग ग्रुप्स जो हैं ICMR ने जो प्रोवाइड किया है एंड सिमिलरली अलग अलग कैटेगरीज जो हैं वो हमने अभी डिस्कस किए हैं. सो ये आपको फ्यूचर में मील प्लानिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. सो स्टे कनेक्टेड. फ्यूचर जो फर्दर हमारे जो लेक्चर्स आएंगे उसमें हम मील प्लानिंग का पार्ट भी डिस्कस करेंगे एंड आई होप यू गाइज आर रियली एंजॉइंग दिस सीरीज और आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल रही है इस पार्ट से. सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू टॉपिक. थैंक यू.